जैसे कि हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा था कि मुस्तफ़ा ने सब कुछ सच सच बता दिया था अमीन कुरैशी को, वो फ़ौरन मलाइका के पास जाएगा, मलाइका अपने आप को सेव करने की बहुत हद तक कोशिशें करेगी। अमीन कुरैशी जो है ना, उसको भी उस पर 100 में से 90% डाउट है, लिहाजा वो उसको कत्ल तो नहीं करेगा लेकिन उसको एक चांस देकर छोड़ देगा और पीछे उसके कोई ना कोई बंदा लगा देगा जो उसकी हर रिपोर्ट दे सके अमीन कुरैशी को। हमें दिखाया जा सकता है कि मुस्तफ़ा अपनी बदले की आग में इस कदर गुम हो चुका है ना कि वो कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पर मुरीद का नाम भी ले सकता है, लेकिन टोटली तौर पे वो मुरीद को फंसाएगा नहीं। मतलब कि जब अमीन कुरैशी की सिस्टर आएगी ना, तो वो आके इससे कोई प्रॉमिस लेगी, हो सकता है कि वो कहे कि भाई तुम मुरीद का चेहरा सबके सामने लेकर आओ कि मुरीद जो है ना वो गद्दार है। ड्रामा में हम देखेंगे कि अस्मा और मुरीद का रिलेशनशिप मज़ीद बहुत अच्छा होता जाएगा, जिसकी वजह से जो है ना मुरीद हर जगह से बच जाएगा और अस्मा जो है ना वो फुली तौर पर प्रोटेक्ट करेगी अपने शोहर को।